संडे के दिन होता है पर फ्राइडे के दिन बेहतर है, क्योंकि फ्राइडे के दिन हम लोगों को घर के लिए सफाई का मौका मिल जाता है और फ्राइडे के दिन अच्छा रहता है, क्योंकि ये पुराने से ही चलते आए, इसलिए हम लोग को फ्राइडे के ही दिन छुट्टी चाहिए। झारखंड के बाद बिहार के कई स्कूलों में भी रविवार की जगह शुक्रवार को सरकारी स्कूल में छुट्टी होने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद बिहार में भी अब शिक्षा विभाग इसकी पड़ताल में जुट गया है। जिले के 100 से अधिक सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रहती है और रविवार को विद्यालय खुले रहते हैं। उर्दू विद्यालय में शुक्रवार को तो छुट्टी रहती है, लेकिन कई हिंदी विद्यालय भी शुक्रवार को बंद रहते हैं। सबसे पहले ये मामला किशनगंज से सामने आया। किशनगंज जिले के 37 सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी का मामला सामने आया। किशनगंज के मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को होती है, रविवार को क्लास लगती है। अब सरकार पता कर रही है कि किसके आदेश पर ये नियम चल रहा है। शिक्षा विभाग ने किशनगंज के डीओ को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। और अब किशनगंज के बाद बिहार के कटिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। किस दिन बंद रहती है विद्यालय? फ्राइडे के दिन। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि संडे को बहुत स्कूल बंद रहता है, तो फिर संडे के दिन होता है पर फ्राइडे के दिन बेहतर है, क्योंकि फ्राइडे के दिन हम लोगों को घर के लिए सफाई का मौका मिल जाता है और फ्राइडे के दिन अच्छा रहता है, क्योंकि ये पुराने से ही चलते आए, इसलिए हम लोग को फ्राइडे के ही दिन छुट्टी चाहिए। तस्वीर कटिहार के उर्दू प्राथमिक विद्यालय नया टोला डहरिया और उत्क्रमित उर्दू विद्यालय परटेली का है, जहां शिक्षकों ने बताया कि पुरखों से शुक्रवार को विद्यालय बंद होने का नियम है, इसीलिए उसी नियम को अभी तक माना जा रहा है। ये किस दिन बंद रहता है? शुक्रवार। आखिर क्या वजह है कि शुक्रवार को ही बंद रहता है, रविवार को क्यों नहीं? पुरुष से चूंकि यहाँ पर बंद होते आया है, हम लोग जब से हैं तब से देख रहे हैं इसी तक बंद। लेकिन जिले में तो कई अक्सर स्कूल है कि रविवार को बंद रखा जाता है। हाँ, चूंकि वहाँ पर रविवार घोषित है, पुरुष रविवार में ही बंद होगा, इसलिए बंद है। क्या कमेटी वगैरह का कुछ रहता है? शिक्षा विभाग से कुछ ऐसा लेटर है कि शुक्रवार को बंद रखना है? मुझे समझ में जानकारी नहीं है। रविवार को स्कूल बंद रहती है? रविवार को क्यों नहीं रहती है, कारण? हम नहीं जानते, पहले से आ रहा है, हम जब से आ रहा वैसे हो रहा है। अच्छा, कैसे बता? क्या कोई सरकारी आदेश भी है क्या कि रविवार को नहीं बंद रखना? हम नहीं जानते, हम लोग ज्वाइन किया आपका 3-4 साल पहले, शुक्रबंदी बंदी आ रहा है। कमेटी वगैरह कुछ? जी, कमेटी वगैरह का कहना है कि शुक्रवार को बंद रखना है या रविवार को बंद? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चला आ रहा है इसलिए। जी, चला आ रहा है। क्यों है विभाग के द्वारा ही घोषित हुआ है। जुम्मा का स्पेशली है, जिन लोगों का जुम्मा का नमाज उस दिन होता है, तो यहाँ वो क्षेत्र है, इसके वजह से यहाँ। लेकिन कई स्कूलों को देखा जाता है कि संडे को बंद रहता है, या अल्पसंख्यक इलाका है इसलिए जुम्मा को। जी जी, क्या कोई सरकारी आदेश भी है या कमेटी के लोगों का कहना है कि शुक्रवार को ही बंद रखना है, ऐसा कुछ है? ये तो ऊपर से ही है, कमेटी का लोग क्या कहेंगे, ऊपर से ही सरकार आदेश है, पूर्व से ही मतलब विभाग का आदेश है कि जहाँ पे ये बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे फ्राइडे को बंद। इसी मामले में अब जरा सुनिए कि कटिहार के डीओ ने जो भी कहा है। हमें भी 2-4 रोज पहले इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है, हमने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जानकारी लिया है। अधिकांश प्रखंड में पाया है कि हिंदी विद्यालय है जो शुक्रवार को बंद रहता है और रविवार को संचालित रहता है, तो माइनॉरिटी बहुल इलाका में है, उसमें अधिकांश बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं और वह अपने स्थापना काल से मोटा मोटी 50-60 साल से वह विद्यालय जो है शुक्रवार को बंद रहता है। तो उसमें हम डाटा अभी ले ही रहे हैं कि कितने विद्यालय है, देख रहे हैं कितना होगा लगभग कटिहार जिले में अब तक जो। अभी तक तो जानकारी लगभग 100 विद्यालय को तो पता चला है, 2-3 प्रखंड का रिपोर्ट आना है, तो देखिए। एक बड़ा सवाल ये भी है सर, क्या वो, हाँ, जो टीचर है वो लोग भी अल्पसंख्यक वर्ग से, ऐसा कुछ है?
टीचर जो है वहाँ डिपुट जो है इन विद्यालयों वो लोग अब सिलेबस से है ऐसा कुछ भी है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चे लगभग जहाँ जानकारी हमको प्राप्त हुआ है बच्चे वहाँ 99% कहीं 100% बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं। वहाँ 90% बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं और ये बहुत दिनों से 50 साल 60 साल 1947 से 50 से 1960 से यह विद्यालय चल रहा है। जैसे आपको कुछ उदाहरण बताऊं, एक तो मनसाही में प्राथमिक विद्यालय साहेब नगर है 1960 से चल रहा है। उसी तरह आपका प्राथमिक विद्यालय हाथिया दीरा है 1942 से चल रहा है। बलरामपुर में जो है प्राथमिक विद्यालय मधेपुर है वो 1952 से चल रहा है। तो सर ये इसका कोई ऑफिशियल नियम है आधिकारिक रूप से कागजात है? नहीं अभी ऑफिशियल रूप से ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रवार से हमें जानकारी नहीं प्राप्त करा है उसको लेने का प्रयास करता है जो विभागीय स्तर निर्देशक हो सकते हैं। आपको बता दें कि अब इस मामले में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। बिहार के विभिन्न जिलों में स्कूल में हो रही शुक्रवार की छुट्टी को लेकर अब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी बहुत कुछ कहा है। साफ कहा है कि शिक्षा विभाग के नियम का पालन होना चाहिए। देखिए इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा जो भी इसके नियम है उस नियम का पालन होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो पालन होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।